एक रेसलर का सबसे अच्छा और सबसे जरूरी हथियार उसका फिनिशिंग मूव होता है। WWE में बीते इतने सालों में कई ऐसे आइकॉनिक फिनिशर्स देखने को मिले हैं, पेडिग्री से लेकर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर तक। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ फिनिशिंग मूव्स भी हैं जो रेसलर के सिग्नेचर मूव्स के सामने थोड़े फीके रह जाते हैं। उनके सिग्नेचर मूव्स अक्सर फिनिशिंग मूव्स से काफी बेहतर और खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी रेसलर्स अपने चुने हुए फिनिशर को ही इस्तेमाल करते रहते हैं। पर ऐसे रेसलर्स हैं कौन, जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम ऐसे ही 10 WWE रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जिनका सिग्नेचर मूव उनके फिनिशर से ज्यादा खतरनाक है। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, उमागा। उमागा का किरदार WWE में 2006 में आया था और उनको शुरुआत से ही एक खतरे के तौर पर दिखाया जाता था। उमागा केवल एक ताकतवर रेसलर ही नहीं थे, बल्कि रिंग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देते थे और WWE के सबसे बेहतरीन रेसलर्स के साथ गिने जाते थे। लेकिन इस सामोअन बुलडोजर के बारे में जो खास बात थी वो ये कि अपने फिनिशर के तौर पर एक अनोखा मूव इस्तेमाल करते थे जिसको सामोअन स्पाइक कहा जाता है, जिसमें ये अपने अंगूठे का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करते थे और अपने ओपोनेंट के गले में अपना अंगूठा घुसा देते थे। शुरुआत में तो WWE को इस मूव को खतरनाक दिखाने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन शुक्र है रोस्टर के रेसलर्स का जिन्होंने इस मूव को बहुत अच्छी तरीके से सेल किया। ये मूव जल्दी ही उमागा और उनके मैचेस के साथ मेल खाने लगा, लेकिन अपने मैचेस में उमागा एक सिग्नेचर मूव का भी इस्तेमाल करते थे जो उनके इस स्पाइक से कई ज्यादा बेहतर था, और वो था एक पॉप अप समोन ड्रॉप, और वो देखने में बहुत शानदार लगता था। उमागा किसी पर भी ये मूव इस्तेमाल करते थे और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उमागा का ये मूव सबसे बेहतरीन मूव्स में से एक हो सकता है। नंबर 9, टेस्ट। पूरे एटीट्यूड एरा और रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान टेस्ट WWE के मिड कार्ड पर एक बेहतरीन नाम थे। उनका रिंग में परफॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन उनको हमेशा से ही कुछ पीछे खींच रहा था, ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो अगले लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अपने शुरुआती दिनों में टेस्ट एक पंप हैंडल स्लैम और एक डाइविंग एल्बो ड्रॉप को अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। टेस्ट ने जल्दी ही इन मूव्स को अपना सिग्नेचर मूव बना लिया और एक डिवास्टेटिंग बिग बूट, जिसे टेस्ट ड्राइव भी कहा जाता है, इस मूव का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि ये मूव काफी अच्छे से किया जाता था, लेकिन ये टेस्ट के डाइविंग एल्बो ड्रॉप की बराबरी नहीं कर पाया। टेस्ट जैसी डील डॉल वाले एक शख्स को रिंग में टॉप रोप से छलांग मारते हुए देखना अपने आप में बहुत शानदार था। जाहिर तौर पर ऐसे मूव से शरीर पर काफी असर पड़ता है और इसलिए टेस्ट ने इस मूव को कम इस्तेमाल करने का फैसला लिया होगा। नंबर 8, क्रिश्चियन। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन WWE में काफी कम आके गए खिलाड़ियों में से एक हैं। क्रिश्चियन के पास एक से एक मूव थे, लेकिन उनका फिनिशर कुछ खास नहीं था। द किल स्विच अक्सर ही काफी उलझा हुआ मूव लगता था और ये कोई ऐसा मूव नहीं था जिससे फैंस को ऐसा लगे कि अब मैच खत्म हो चुका है। क्रिश्चियन के पास इससे भी बेहतर एक सिग्नेचर मूव था, जो था एक फॉलिंग इन्वर्टेड DDT। ये बहुत तेज और अचानक होता था और क्रिश्चियन अपने मैचेस जीतने के लिए इसे काफी इस्तेमाल भी करते थे। रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान क्रिश्चियन इस इन्वर्टेड DDT को अपने घुटनों पर भी करते थे, जो बहुत बढ़िया भी लगता था और खतरनाक भी। नंबर 7, एज। अगर ऐसे रेसलर्स की बात करी जाए जिनका स्पेयर सबसे बेहतरीन है, तो इस बात में एज की शायद चर्चा भी नहीं की जाएगी। हालांकि एज ने अपने इस मूव से बहुत सफलता पाई है, लेकिन उनके पास इससे भी बेहतरीन मूव्स की कोई कमी नहीं है। एज का इम्पेलर DDT, जिसे द एज क्यूशन भी कहा जाता है, वो हमेशा ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और ये एक शर्म की बात है कि एज ने हमेशा इस मूव को केवल एक सिग्नेचर मूव के तौर पर इस्तेमाल किया है। एज ने 2020 में WWE में अपनी वापसी के बाद एंटी वेनम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें वो खड़े खड़े एक फ्रंट चोक देते हैं, और हालांकि ये एज के बाकी सभी मूव से काफी अलग है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। नंबर 6, केविन ओवेंस। 2016 में केविन ओवेंस को लगता था कि अब उन्हें पॉप अप पावर बॉम्ब को अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। ओवेंस को लगता था कि उन्होंने इस मूव को बहुत इस्तेमाल कर लिया है और अब इसकी जगह वो स्टनर को अपना फिनिशिंग मूव बनाना चाहते थे। ओवेंस अभी भी पॉप अप पावर बॉम्ब का इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, लेकिन केवल एक सिग्नेचर मूव के तौर पर, और स्टनर अब उनका फिनिशिंग मूव बन चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान ओवेंस ने अपने फिनिशर बदलने के फैसले पर बात करते हुए बताया, सबसे पहले तो मैंने ऑस्टिन से पूछा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में काफी समय से सोच रहा था। ये 2016 से 17 की बात है और मुझे लगा कि सभी लोग किसी न किसी तरह से पावर बॉम्ब का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बस पॉप अप पावर बॉम्ब्स नहीं कर रहे थे। मुझे यकीन है मैंने कुछ लोगों को ये करते हुए भी देखा था। ये एक बिल्कुल अलग बात है जब लोग दूसरे लोगों से कुछ लेते हैं, और खास करके तब जब हम एक ही शो में हैं और एक ही टीम में हैं। ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। मैंने सभी लोगों को ये पावर बॉम्ब करते हुए देखा और मैं कुछ अलग करना चाहता था, और मैं ऐसा भी कुछ करना चाहता था जो लोगों को पसंद आए। तब मुझे ये ख्याल आया कि शायद मैं एक स्टनर का इस्तेमाल कर सकता हूँ।
ये बीते सालों में बहुत सारे लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब ये एक फिनिशिंग मूव नहीं था। मैंने सोचा शायद मुझे स्टोन कोल्ड से ही सलाह लेनी चाहिए और मैं पता कर सकता हूँ कि इस मूव को फिर से एक फिनिशिंग मूव कैसे बनाया जा सकता है। मैं उनके पास गया, उनसे पूछा कि क्या मैं ये मूव इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उन्होंने बड़ी खुशी से हाँ बोला। वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब कोई उनसे ये पूछेगा। उन्होंने मुझे हरी झंडी दिखाई, मैं उस बात को लेके आगे गया और ऐसा तय हुआ कि अभी ये सही समय नहीं था, लेकिन अंत में वो सही समय आ ही गया और अब देखो हम यहाँ हैं। नंबर 5, मैट हार्डी। अपने करियर के दौरान मैट हार्डी ने ट्विस्ट ऑफ फेट का अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर काफी इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये रही कि यही मूव उनके भाई जेफ भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से फैंस हमेशा उन दोनों के मूव्स की तुलना करते थे। मैट हार्डी एक सिग्नेचर मूव जिसे साइड इफेक्ट बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते थे, जो उनके ट्विस्ट ऑफ फेट से कई बेहतर लगता था। ये एक सेट आउट स्लैम था और उस समय रोस्टर पर मौजूद कोई रेसलर ऐसा मूव नहीं करते थे। बेशक इस मूव को हार्डी का फिनिशिंग मूव होना चाहिए था, क्योंकि इससे वो सबसे अलग नजर आते और इससे हार्डी बॉयज के मूव्स के बीच हो रही तुलना भी कम हो जाती। नंबर 4, डॉल्फ ज़िगलर। काफी लंबे समय तक डॉल्फ ज़िगलर एक ज़िगज़ैग नाम का मूव इस्तेमाल करते थे, जो काफी अलग भी था और उनके किरदार के लिए सटीक भी था, लेकिन हाल ही के सालों में ज़िगज़ैग को एक सिग्नेचर मूव बना दिया गया है और अब ज़िगलर ने एक आम सुपर किक को अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुपर किक्स WWE में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मूव है और एक रेसलर का प्रो रेसलिंग में इस मूव को एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं लगता। अपने पॉडकास्ट में एन एंडरसन ने बताया कि जब ज़िगलर इस सुपर किक को अपना फिनिशर बनाना चाहते थे, तब WWE की मैनेजमेंट ने इसका काफी विरोध किया था। एंडरसन ने कहा, डॉल्फ के पास एक सेट है और वो जो सोचते हैं उसके बारे में बोलने में ज्यादा सोचते नहीं, और हालांकि वो अक्सर सही ही होते हैं। ऐसा करना गलत ही था, एक बार जब आप गोरिल्ला के सामने आ जाए। खैर, सच तो यही है कि कंपनी को अंधी वफादारी चाहिए। 10 साल पहले डॉल्फ की अपनी एक सोच थी। ये एक फैक्ट था कि डॉल्फ जो एक बेहतरीन सुपर किक मारते हैं, ऑफिस उन्हें ये मूव इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि ये शॉन का फिनिश था, लेकिन शॉन रिटायर हो चुके थे, वो जा चुके थे। आप मूव्स को रिटायर नहीं कर सकते। आज आप कितने ही सुपर किक्स देख लेते हैं, शायद हर कंपनी में हर मैच में कोई एक। इसलिए ये एक गर्म मुद्दा था सालों पहले, लेकिन डॉल्फ उनका एक नजरिया था और वो अपनी बात बोलते थे। नंबर 3, बैरन कॉर्बिन। कॉर्बिन का एंड ऑफ डेज फिनिशिंग मूव WWE में सबसे भरोसेमंद मूव्स में से एक रहा है। रेसलमेनिया 38 तक कोई भी रेसलर इस मूव की पकड़ से बाहर नहीं आ पाया था, जो एक फिनिशिंग मूव के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि WWE को हाल के सालों में एक फिनिशर को बढ़िया तरीके से दिखाने में बहुत दिक्कत हुई है। कॉर्बिन का एक सिग्नेचर मूव भी है जिसे डीप सिक्स कहा जाता है, जो शायद एंड ऑफ डे से भी कई बेहतर है। कॉर्बिन अपने ओपोनेंट को इतनी ताकत से झुलाते हैं कि ये मूव हर बार काफी खतरनाक लगता है। हालांकि ये मूव बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन कॉर्बिन WWE के सबसे सुरक्षित रेसलर्स में से एक हैं और पहले से घायल रेसलर्स का ख्याल रखने के लिए उन्हें बहुत तारीफें भी मिली हैं। नंबर 2, सैमी ज़ेन। जब से ज़ेन WWE से जुड़े हैं, तब से ही हेलुवा किक उनका फिनिशिंग मूव रहा है। हालांकि ये मूव करते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक फिनिशर के तौर पर ये अपना काम नहीं कर पाता। ज़ेन का एक जाना माना सिग्नेचर मूव है ब्लू थंडर बॉम्ब, जो बिना किसी सवाल के उनका फिनिशर होना चाहिए। ये हर बार बिना गलती के बिल्कुल सटीक हुआ है और इसकी मदद से ज़ेन हमेशा जीत के नजदीक पहुंच जाते हैं, इसलिए इस मूव को एक फिनिशिंग मूव बनाना बिल्कुल सही लगता है। आश्चर्य की बात यह है कि ज़ेन इस मूव को हर रेसलर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसलिए ऐसी कोई वजह नहीं है कि ज़ेन ब्लू थंडर बॉम्ब को अपना फिनिशिंग मूव नहीं बना सकते। नंबर 1, गोल्डबर्ग। जब गोल्डबर्ग ने WCW TV पर अपने करियर की शुरुआत करी थी, तब उन्होंने द जैकहैमर को अपने फिनिशिंग मूव की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस मूव से पहले गोल्डबर्ग हमेशा एक स्पेयर दिया करते थे, लेकिन ये हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है कि उनका स्पेयर जैकहैमर से कई बेहतर लगता था। हाल ही के सालों में ऐसा ही रहा है। गोल्डबर्ग अपने आखिरी WWE रन में जैकहैमर करने में काफी उलझनों में दिखाई दिए और इस मूव के दौरान उन्होंने कई रेसलर्स को लगभग घायल कर ही दिया था, लेकिन गोल्डबर्ग का स्पेयर अभी भी पहले की ही तरह खतरनाक लगता है। और अगर गोल्डबर्ग फिर कभी रेसलिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो जैकहैमर को छोड़कर स्पेयर को अपना फिनिशिंग मूव बना लेना उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे WWE रेसलर्स जिनका सिग्नेचर मूव उनके फिनिशर से कई बेहतर है। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।